वसअप 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 दोस्तों, आज हम बात करेंगे XXXTentacion के बारे में, जो कि है एक अमेरिकन रैपर। आप सभी लोग जानते ही होंगे, आप सभी लोगों ने उनका गाना मूनलाइट सुना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, इसी तरह हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। XXXTentacion का पैदाइशी नाम था जैसे ड्वेन ऑनफ्रॉय और उनका जन्म हुआ था प्लांटेशन फ्लोरिडा में, जो कि अमेरिका में स्थित है। एक्स की बहन ने रिसेंटली एक वीडियो भी डाला था ऑनलाइन, जो उनके बचपन का वीडियो है जिसमें वो रोते हुए दिखाई देते हैं। रिसेंटली एक्स के पिता ने एक फोटो पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे जिसमें एक्स और वो दिखाई देते हैं। एक्स के पिता बहुत पहले ही जेल जा चुके थे जब एक्स 10 या 12 साल के थे। इसी तरह उन्होंने एक्स का बचपन बहुत ज़्यादा मिस किया था। पिता के जेल जाने के बाद उनकी माता ने उन्हें पाला था। एक्स की मॉम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी एक्स को पालने के लिए। एक्स का रिलेशन अपनी माँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, और यह भी कहा जाता है कि उनकी माँ बहुत मेंटली अब्यूसिव थी, लेकिन फिर भी वो एक्स का बहुत सपोर्ट करती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देती थी जो भी वो पहनते थे। उस एक्स की स्कूलिंग मार्गरेट मिडिल स्कूल से हुई थी, और जहाँ से उन्हें निकाल दिया गया था क्योंकि उनके बैड बिहेवियर के कारण। उसके बाद उन्हें करेक्शन फैसिलिटीज में रखा गया था 9 महीने के लिए, उसके बाद फिर वो घर आए थे। लेकिन एक्स की माँ ने उन्हें घर पर नहीं रहने दिया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसी कारणवश वो अपने ग्रैंड मा के साथ रहते थे। एक्स का इंटरेस्ट हमेशा से ही म्यूज़िक में रहा है। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट को सुनते थे, जैसे कि लिल वेन, टूपाक, बिगी, और उसके बावजूद वो बहुत सारे पॉप बैंड को भी सुनते थे। म्यूज़िक के अलावा उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लड़कियों में भी था। उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे फेसबुक और टम्बलर वगैरह में उस टाइम पे। टीनेज में एक्स के ऊपर बहुत सारे केस लगे हुए थे, मारपीट, लूटपाट, डकैती, चोरी वगैरह वगैरह। वो बहुत ज़्यादा गैंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। एक दिन उनके कंधे पे एक गोली लगी थी जिसके कारण वो हॉस्पिटलाइज हुए थे। उसके बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक पे ध्यान देना सही लगा। उसके बाद तुरंत ही एक्स ने एक गाना बनाया जिसका नाम था वाइस सिटी, जो मार्च 2014 में रिलीज़ हुआ था। और उन्होंने अपने सारे ऑनलाइन जो भी फ्रेंड्स थे सबको बताया गाना, और वो बहुत फैलने लगा। लेकिन तुरंत ही उसके बाद एक्स जेल चले गए थे। उन्होंने अपने हाथ में गन रखी थी, इसलिए जेल में वो स्कीम असलम गोड से मिलते हैं और उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है इनकी, और दोनों साथ में एक दूसरे को एनकरेज करते थे म्यूज़िक के लिए, क्योंकि दोनों को ही रैपर बनना था, दोनों को रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बनना था, दोनों एक दूसरे का स्किल डेवलप कर रहे थे। जेल से निकलने के बाद दोनों ने ही एक ग्रुप फॉर्म करा और अपने गाने पे गाने निकालते गए, जो फक, स्केन, टीथ, टमी टक, ऐसे बहुत सारे गाने निकाले, और वो पूरे ऑनलाइन पे आज की तारीख में मिलियंस एंड मिलियंस स्ट्रीम्स मिल चुके हैं। एक माइक और एक लैपटॉप से एक्स ने अपना अलग ही स्किल डेवलप करा। पैसे कमाने के लिए एक्स एक कॉल सेंटर में काम करते थे, लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए एक्स फिर से वापस रॉबरी पे आ गए, और जुलाई 2016 को उन्हें लूटपाट के मामले में वापस जेल में जाना पड़ा। जब एक्स जेल में थे तो उनका एक ट्रैक था लुक एट मी, जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। सब लोग पागल हो गए थे उस ट्रैक के लिए, और सब लोग अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर रहे थे कि एक्स को जेल से बाहर निकालो, और मेन स्ट्रीम न्यूज़ भी यही बोल। एक्स इतने पॉपुलर हो गए कि ड्रेक भी उनके बारे में बात करने लगी अपने इंटरव्यूज में। I know who you're talking about. Just the extension guy. I don't even think that's how you say his name. जेल से निकलने के बाद उनके बहुत सारे शोज में एकदम दंगे जैसे हो जाते थे, हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी, और इसी तरह उन्होंने अपने फैन को भी फेस पे पंच किया था, और एक शो कैंसिल भी हुआ था जिसके कारण वो दंगे में बदल गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि फ्रेशमैन क्लास में वो 10th नंबर पे आए थे। इसके बाद एक्स ने अपना डेब्यू स्टूडियो एल्बम 17 लॉन्च करा, जो बिलबोर्ड पे टॉप 2 पे पहुंच गया। उसके बाद बहुत सारे रिकॉर्डिंग लेबल्स के ऑफर इनके पास आए, $6 मिलियन तक इन्हें ऑफर किए गए। और उसके बाद एक्स ने अपना खुद का एक कार लिया, जो उनका बहुत बड़ा सपना था। उन्होंने एक BMW i8 लिया था। It's not really an accomplishment unless I'm helping like 1,000 homeless kids, but I feel like I did something, yeah? और जैसे कि आप जानते हैं, उनकी लड़ाई उनकी दो स्कीमा से हुई थी, फिर रोप स्टोन से हुई थी उनकी लड़ाई, और उसके बाद मीगोस जैसे दिखने वाले कुछ लोगों से भी उनकी लड़ाई हुई थी। Amigos, straight up. look at this shit. Y'all niggas had the chance to kill me. How you have fire and ain't shoot me? इसके तुरंत बाद एक्स ने अपना लुक चेंज कर दिया और अपने सारे इंस्टाग्राम के पोस्ट डिलीट कर दिए, और वो एकदम दुनिया से अलग ही होने लग गए। और उन्होंने अपना पूरा लुक चेंज कर दिया और अपने फेस पे एक नया टैटू भी बनवाया। काफ़ी ज़्यादा लीगल इशू होती थी XXXTentacion के साथ, लेकिन वो हाउस अरेस्ट में फाइनली जाके फ्री हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ब्लॉगिंग वगैरह के वीडियोस पोस्ट करने लगे। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करा जिसमें वो कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, गरीब बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, हर जगह जाते हैं और एक पॉजिटिव मैसेज सबको फैलाते हैं।
कॉन्ट्रोवर्सीज को साइड में रख के उन्होंने अपना एल्बम लॉन्च करा था क्वेश्चन मार्क, जो मार्च 16 2018 में आया था। और बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जून 14 2018 को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी आखिरी स्टोरी डाली थी, जो था एक चैरिटी इवेंट जो वो करने वाले थे फ्लोरिडा में। और उसी टाइम के दौरान वो कुछ मोटरसाइकिल्स लेने गए थे अपने लिए, और उसी टाइम पे एक बंदे ने आके उन्हें शूट कर दिया उनके BMW i8 कार में। तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनका पल्स जा चुका था और एक घंटे के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल में ही। I guess I'm just making this because the information, what I just heard, was that he's passed. और इसी तरह हमारे जनरेशन के एक बहुत बड़े म्यूजिकल सुपरस्टार, एक बहुत बड़े रैपर जो कि उनका एक बहुत अच्छा फ्यूचर था, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी उम्र जब उनकी मृत्यु हुई थी तब सिर्फ 20 साल की थी। उनका जन्म हुआ था 1998 में और 2018 में उनकी दुखद मौत हो गई। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। जो भी रैपर हो, कोई भी रैपर हो, बस आप कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल पे वीडियो आ जाएगा। पीस आउट।